centers of excellence for artificial intelligence for realizing the vision of make AI in India and make AI work for India by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में आज पेश किया गया। इस बजट का इंतजार छोटे व्यवसायियों के साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी था। शेयर बाजार की स्थिति को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट प्रभावी है। कोरोना के समय में प्रभावित होने वाले एमएसएमई के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सभी प्रभावित एमएसएमई को आर्थिक मदद देने की बात कही है। साथ ही 3 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को टैक्स में छूट दी गई है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की गंभीरता भी इस बजट में झलकी है। चाहे 50 एयरपोर्ट या वाटरवे बनाने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने वाले मूल्य को 33% तक बढ़ाने हो, या 157 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो। वहीं 2014-15 वित्तीय बजट के बाद इस बार के बजट में रेलवे को सबसे अधिक पैसा मिला है। रेलवे का 2023-24 के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें 75,000 करोड़ रुपए नए योजनाओं को शुरू करने में खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में निजी क्षेत्र के लोगों का भी आगमन होगा। मोदी सरकार के इस बजट में ग्रीन एनर्जी पर भी गंभीरता दिखाई गई है। जहां एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर 19,700 करोड़ रुपए खर्च करने का रोड मैप बनाया गया है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री के द्वारा शोध पर भी बल दिया गया है। देश के एक IIT को शोध के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 नए सेंटर खोले जाएंगे। इस बजट में किसानों के लिए बागवानी योजना और 20 लाख करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है। वहीं किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी बल दिया जाएगा। हालांकि जिस घोषणा का इंतजार देश का मध्यम वर्ग या वेतनभोगी लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, आखिरकार वित्त मंत्री ने आज उनकी भी घोषणा कर दी। देश में नया टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया है। अब 7 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं टैक्स स्लैब को 5 भागों में बांट दिया गया है। 0 से 3 लाख पर, 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स और 12 से अधिक पर 20% टैक्स लिया जाएगा। टैक्स के अलावा कुछ वस्तुओं में भी आम लोगों को राहत मिली है। LED टीवी, देसी स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल जैसे कुछ वस्तु सस्ते होने वाले हैं। तो वहीं सोना, चांदी, सिगरेट जैसे वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए यह बजट इस सरकार के लिए खासा अहम था। अगले साल सरकार जरूर एक अंतरिम बजट लाएगी, लेकिन इस साल भी 9 राज्यों में चुनाव होना है और यह बजट यह सत्यापित करेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों को बजट की बातें आम लोगों को समझाने के लिए कही गई हैं और इसके लिए सरकार अभियान भी चलाने वाली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बजट का प्रभाव आने वाले चुनाव पर कैसा होता है। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल लाइव के साथ। धन्यवाद।